हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और पियानम का तड़का में आप सभी का स्वागत है। बच्चे कई दिन से गुजिया खाने की जिद कर रहे थे। मैंने कई बार कहा कि होली आने वाली है तो बना लूंगी, पर नहीं, उनकी जिद के आगे मुझे जो है होली से पहले इसे बना करके देना ही पड़ रहा है। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर हम कुछ सामान लिए हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स है, मावा है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैन में जो है हम आधा चम्मच घी डाल देंगे। इसमें हमें घी का ज़्यादा यूज नहीं करना है। अब गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और ये जो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे कि किशमिश है, बादाम है, काजू है, चिरौंजी है और नारियल घिसा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काजू, बादाम और चिरौंजी को डाल देंगे और एकदम लो फ्लेम पर इन्हें हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें साथ में नहीं डालना है, क्योंकि कुछ को रोस्ट होने में बहुत कम समय लगता है, कुछ को थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। साथ में डाल देंगे तो जो कम समय में रोस्ट होते हैं वो जल जाएंगे। तो इसमें अब हम किशमिश भी डाल दिए हैं, इसे भी 10-15 सेकंड ऐसे ही चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास नारियल रखा हुआ है घिसा हुआ, इसे भी डाल देंगे और साथ में इसे जो है मिक्स करते हुए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। बस मुश्किल से आपको आधे मिनट का समय लगता है और ये रोस्ट हो जाता है। तो फाइनली रोस्ट हो गया है, तो इसे अब हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि इनका यूज जो है हम अभी बाद में करेंगे। तो अच्छे से हम सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं रोस्ट किए हुए, उनको हम जो है एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिए हैं और इसी पैन का यूज हमें अभी फिर से करना है। तो हम दोबारा से इसी में जो है आधा चम्मच घी डाल दिए हैं और हम लिए हैं यहाँ पर सूजी, 1/3 कप ये सूजी है। तो सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, मोटी बारीक वाली कोई भी, ये तो नॉर्मल सूजी है। और इसे भी हम लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से जो है कलर आने तक और जब तक इनमें अच्छी सी खुशबू ना आ जाए इनको भूनेंगे। जब हम सूजी डालते हैं ना तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। केवल मावे से भी बनता है, पर जब मावा और सूजी मिला करके बनाते हैं ना तो खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर आप एक बार भी बनाएंगे ना तो फिर आप इसी तरीके से बनाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मावा तो होता ही है पर एकदम मावे से उतना टेस्ट नहीं आता है। तो ये सूजी भी फाइनली भून करके तैयार हो गई है। तो यहाँ हम लिए हैं 200 ग्राम मावा, जिसे मैं घर पे ही दूध से तैयार की हूँ। आप मार्केट से भी मावा ले सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं, पर घर पे जो मावा बनाते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है टेस्टी भी होता है और एकदम ओरिजिनल तरीके से होता है। इसमें कोई मिलावट नहीं होती है, क्योंकि जो त्योहारों का सीज़न होता है ना तो इसके इस समय जो मार्केट में मिठाइयाँ मिलती हैं या मावा मिलता है वो सब एकदम मिलावटी रहते हैं, वो एकदम दूध के नहीं बने होते हैं। तो खाने में भी वो नुकसान करते हैं शरीर को और बहुत ज़्यादा महंगे भी मिलते हैं। इसीलिए घर में जब आप दूध से मावा तैयार करते हैं ना तो वो हेल्दी भी होते हैं, खाने में टेस्टी लगते हैं और ये अधिक दिनों तक अगर आप बना करके रख देंगे तो शेफ भी रहते हैं। तो मावा भी हमारा भुन गया है, तो अब हम लगाएंगे आटा। तो यहाँ ली हूँ मैं 1 कप मैदा, इसमें मैं डाल दूँगी 2 चम्मच घी। घी की जगह पर आप रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं या कोई भी मूँगफली का तेल भी ले सकते हैं और इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। जब तक कि मिक्स करने के बाद में इसको हम मुट्ठी में उठाएं तो ये मुट्ठी में बंधने न लगे इस तरीके से। तो देखिए कितने अच्छे से ये बंध रहा है, तो इसका मतलब मोयन अच्छे से लग गया है। ऐसे ही मोयन आपको लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम दूध तैयार करेंगे। तो एकदम जैसे पूड़ी का हम आटा तैयार करते हैं उसी तरीके से हमें लगाना है। ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाना है, वरना क्या होगा, ये ज़्यादा खस्ता नहीं बनेंगे। आटा लग गया है, इसे ढक करके रख देंगे रेस्ट के लिए और तब तक यहाँ हम चीनी को पीस लेते हैं। तो यहाँ 1 कप चीनी और 1 इलायची को डाल करके हम मिक्सर जार में ये बारीक सा पाउडर तैयार कर लिए हैं। वैसे आप खड़ी चीनी भी डाल सकते हैं, पर उनको मेल्ट होने में टाइम लगता है जब हम फ्राई करते हैं, और जब हम पीस करके चीनी डालते हैं ना तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स और मिक्स करके हम रखे हुए थे भून करके, उनमें हम मावा और सूजी का जो मिक्सचर है उसे हम डाल देंगे। अब इसमें हम पिसी हुई चीनी भी डाल देंगे और इन्हें कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जैसे मीठा खाना आप पसंद करते हो। हमारे यहाँ तो सभी लोग बहुत हल्का मीठा खाना पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर चीनी जो है 1/2 कप ही यूज किया है। तो फाइनली ये मिक्स हो गया, इसको हम टेस्ट भी कर रहे हैं कि अच्छा ये मिक्स हुआ है, चीनी कैसी है। तो एकदम फाइनली बहुत अच्छी तरीके से स्टफिंग तैयार हो गया है, मिठास भी बहुत अच्छी है। तो आटे को हम दोबारा से चेक कर लेते हैं।
और आटा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो इसको मसलते हुए हम क्या करेंगे, इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। जैसे कि पूड़ी हम बनाते हैं ना, तो बिल्कुल हमें पूड़ी की साइज में ही लोइयां तोड़ करके रखनी है। जब इस तरीके से लोइयां तोड़ करके हम रख लेते हैं तो बनाने में बहुत जल्दबाजी रहती है, आसानी रहती है। तो एक लोई को लेंगे, इस तरह से हथेली से दबाते हुए एकदम पेड़े जैसा बना देंगे। तो इसी तरीके से हम सारे लोइयों को पेड़े बना करके रख लेंगे। और इन्हें आप क्या करिए, ढक करके रख दीजिए जिससे कि ये सूखे नहीं। एक लोई को उठाएंगे, जरा सा आटा डस्ट करेंगे और इसे हम पतली सी पूड़ी के जैसे बेल लेंगे। आप जितनी पतली रखेंगे ना, ये उतने ज़्यादा खस्ता बन करके तैयार होंगे। और इसे एक बार बना करके आप 15-20 दिन तक आराम से खा सकते हैं। तो ये तो मैं बस बच्चों की जिद की वजह से बना रही हूँ, और मैं आपको दो तरीके से बना करके दिखाऊंगी, साचा का और बिना साचा का। तो यहाँ पर लिए हैं साचा, और इसमें हम इस पूड़ी को रख देंगे और इस टिफिन को डाल देंगे जो हमने बना करके रखा है। पर ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा भी नहीं डालना है और कम भी नहीं डालना है। अगर ज़्यादा डाल देंगे तो ये फट जाएगा, कम डालेंगे तो फिर ये ढीला ढीला रहेगा, फिर ये खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। तो इस हिसाब से जैसे आपकी पूड़ी और साचा है उसी हिसाब से आपको स्टफिंग भरनी है। तो इसे हम दबा दिए हैं पानी लगा करके, जो एक्स्ट्रा आटा था उसे निकाल लिए हैं। और ये देखिए हमारी कितनी प्यारी सी गुजिया बन करके तैयार हो गई है। तो इसे प्लेट में रख देंगे। और आपको मैं बिना साचे वाली गुजिया भी बना करके दिखा रही हूँ, क्योंकि जिनके पास साचा नहीं होता वो सोचते हैं कि हम कैसे बनाएं जो कि खाने में भी अच्छा लगे, देखने में भी अच्छा लगे, मेहमानों को भी दे सकें। तो वो भी बहुत सुंदर डिज़ाइन बन करके तैयार होता है। तो इस तरह से हम पूड़ी को जो है हथेली पर रख लेंगे, और जो स्टफिंग है उसे हम इस तरीके से डाल देंगे, जितना कि पूड़ी का साइज है उसी हिसाब से डालेंगे, कम या ज़्यादा नहीं रखेंगे। उसके बाद क्या है, हम पानी लेंगे और उंगली से इस तरह से साइड में लगा देंगे पानी को। अब इसे गुजिया को हम हाफ पलट देंगे और इसके जो किनारे हैं इस तरह से अंगूठे से हम दबाते हुए अच्छे से पैक कर देंगे, जिससे कि ये कहीं खुला ना रहे, कि फ्राई करते समय इसमें से मावा निकलने लगे। अब ये साइड पकड़ेंगे इस तरह से उंगली और अंगूठे से दबाते हुए हम प्यारा सा डिजाइन इसमें दे देंगे। और ये देखिए कितनी झटपट हमारी गुजिया बनकर के तैयार हो गई है, देखने में भी सुंदर लग रही है, और जितना टाइम साचे वाले बनने में लगा है बस उतना ही टाइम लगा है। तो इसे हम गीले कपड़े से जो है ढक करके रख देंगे, और इसी तरीके से हम सारी गुजिया बना लेंगे और उन्हें इस तरह से ढकते जाएंगे जिससे कि सूखे नहीं। जब सूख जाते हैं तो फ्राई करने में ये चिटकने लगते हैं, फिर में ऑयल भर जाते हैं और ऑयल भी ख़राब हो जाता है। तो चलिए फ्राई करने स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने गुजिया को सारा बना करके तैयार कर लिया है, और हम कढ़ाई रख दिए हैं गैस पर गर्म होने के लिए। इसमें हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। वैसे आप रिफाइंड ऑयल, मूंगफली का तेल जो है, घी है, किसी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो बच्चे जो है गुजिया खाने की इंतजार ही कर रहे हैं कि कितनी जल्दी ये फ्राई होकर के तैयार हो और ये खाने को मिल जाए। सब बार बार पूछ भी रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा फ्राई होने में। तो फाइनली तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम एक एक करके गुजिया को डाल देंगे, जितनी कि एक बार में आ जाए। ज़्यादा नहीं डालना है, वरना क्या होगा, इनको उलटते पलटते समय ये फूटने का डर रहेगा। तो यहाँ पर मैंने 5 गुजिया को एक बार में डाल दिया है। अब इनको हम थोड़ी देर बाद पलटेंगे, जब ये नीचे से ऊपर आ जाएंगी, क्योंकि तुरंत ही नहीं पलटेंगे। और हमेशा ये ध्यान रखना है, जब भी आप गुजिया को फ्राई करें तो लो फ्लेम पर, लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें। इससे गुजिया जो है बहुत ही अच्छे कलर में फ्राई होगी और बहुत ही ज़्यादा खस्ता क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। और इन्हें आप अधिक समय तक रखे रहेंगे पर ये जो है मुलायम नहीं पड़ेंगे। तो इस तरह से उलटते पलटते हुए हैं गुजिया को जो है अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देख रहे हैं ना कि कितना अच्छा कलर आ गया है, एकदम ये फ्राई हो गए हैं। एक बैच फ्राई होने में मुश्किल से 2-3 मिनट का समय लगता है। तो अब हम इसे निकाल करके इस तरह से रख देंगे, और इसी तरीके से हम सारी गुजिया को फ्राई कर लेंगे। तो आपने देखा ही कि मैंने कितने आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल सामान से इस तरीके से गुजिया बना करके तैयार किया है। अगर रेसिपी आपको जरा भी पसंद आए तो आप भी इस तरीके से गुजिया बनाइए, खिलाइए बच्चों को, फैमिली को, मेहमानों को। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।
मेरे चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए फाइनली मेरे सारे भुजिया बन करके तैयार हो गए हैं और सभी बहुत ही अच्छे कलर में फ्राई हुए हैं। तो अब हम सभी को निकाल करके रख देंगे और थोड़े ये जब ठंडे हो जाएंगे तो इनको एयरटाइट डिब्बे में हम रख देंगे। तो ये देखिए मेरे दोनों भुजिया जो हाथ से और सांचे से बने हैं दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और बहुत अच्छे से क्रिस्पी फ्राई भी हो गए हैं। मैं आपको तोड़ करके भी दिखा रही हूँ कि स्टफिंग कितनी अच्छी आई है इसमें, ना तो ज़्यादा हुई और ना ही कम, एकदम बहुत अच्छी प्यारी लग रही है। तो हम आपसे मिलेंगे अगली नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।